नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, अभी मैं इस जंगल में खड़ा हूँ और यहाँ से मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जाने वाला हूँ और वो जगह है ज़ूको वैली। जी हाँ, आज मैं जा रहा हूँ ज़ूको वैली का ट्रेक करने। और ये जो ट्रेक है बेसिकली एक फैमिली ट्रेक है। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं पहले भी तो, और उनकी फैमिली के लोग हैं। और ये है ज़ूको वैली जाने का रास्ता, लेकिन आगे रास्ता बंद है तो यहीं पे गाड़ी खड़ी हो गई है और यहाँ से हम लोग अब ऊपर जाएंगे। और ये है पहले भी तो तो यहाँ से ज़ूको ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ से करीब आधा एक घंटा लगेगा। एक पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने में जहाँ रेस्ट कैंप है, और उसके बाद फिर डेढ़ दो घंटे और लेंगे वैली में जाने के लिए। तो यहाँ से प्रॉपर अब चढ़ाई शुरू हो गई है। एंड पहले भी तो इस साइड मैंने पर ही इज़ इन कैमरा, ही कीप्स वॉकिंग, एवरीथिंग विल गो ऑन लाइव। ओके, और करीब आधे घंटे 40 मिनट की चढ़ाई मैंने कर ली है और अभी एक व्यू पॉइंट आने वाला है, वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी वहाँ से अच्छा व्यू होता है। लेकिन अभी अचानक से पूरा कोहरा आ गया तो फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इधर ये लगा रहता है कोहरा, मतलब बादलों का आना और जाना, काफ़ी अच्छा व्यू होता है। वैली में भी, ज़ूको वैली में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। कई बार आपको वैली दिखेगी, कई बार वैली नहीं दिखेगी, क्योंकि पूरा वो कोहरे और बादलों से ढका होता है। और ये यहाँ से ज़ूको वैली की शुरुआत हो रही है। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, मतलब वाकई में ये वैली बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, वाह, क्या पतली सी पगडंडी, ये बादल आ रहे हैं जा रहे हैं और ये पूरी वैली इधर। अभी एक्चुअली यहाँ से वैली की शुरुआत हो रही है, रेस्ट कैंप के तुरंत बाद ये रास्ता जा रहा है और यहाँ से दो घंटे और जाना है। तो सोचिए ऐसे ही रास्ते पे दो घंटे जाना है, कितना मज़ा आएगा। मैं पसीने से तरबतर हो गया हूँ, एक्चुअली मुझे बहुत स्वेटिंग होती है, लेकिन वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है ये। ज़ूको वैली की जो खूबसूरती है ना, वो आपको किसी वीडियो में या किसी किताब में या किसी फ़ोटो के ज़रिए उस तरीके से पता नहीं चलेगी जिस तरीके से आप यहाँ आके इसको खुद अपनी आँखों से देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और हर लम्हे को जिएंगे। देखिए, वाव, ये है ज़ूको वैली की खूबसूरती। वाव, हिंदी जानता है ना पहले भी तो? अरे जानता है यार। तो हिंदी में बात करेगा हम लोग, चलो ठीक है। ठीक है, अच्छा से नहीं है लेकिन। कोई नहीं, अच्छा से चाहिए भी नहीं ना, थोड़ा थोड़ा सा निकल देता है। ओके, क्योंकि मजबूरी है ना, मजबूरी है भारत में, भारत में। नहीं नहीं कोई मजबूरी नहीं है यार, हिंदी सीखना कोई हिंदी सीखना कोई मजबूरी नहीं है। या तो ज़ूको वैली का जो ट्रिक है ना, तो जब आप उस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से जो पहाड़ चढ़ने के बाद, तो पूरी वैली में आपकी जो ट्रैकिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये चारों तरफ पहाड़ के छोर हैं, नीचे वैली है इधर, और ये आपको दिख रहा होगा ऐसे 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 ये रास्ता बना हुआ है। तो पहाड़ के किनारों पर आप ट्रैक करेंगे और ये काफ़ी, मतलब, मेसमराइजिंग एक्सपीरियंस है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी आपको मज़ा आएगा। और अभी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं तो धूप नहीं है, बादल के टुकड़े आ रहे हैं जा रहे हैं, एकदम मतलब मिस्टिक लुक आ रहा है वैली का पूरा। बाकी आप लोग देखिएगा जो टाइम लैप्स और
दिस इज क्वाइट स्टीप ना. तो जो टाइम लैप्स और बाकी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की वो आप देखिएगा. एक्चुअली ज़ूको जब आप आएंगे ना तो ये पूरे पहाड़ पे जो आपको झाड़ियाँ दिखेंगी, ये जो आपको दिख रही हैं, ये छोटे छोटे बांस के पौधे हैं. तो ये इतने ही बड़े होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े नहीं होते. तो ये पूरी वैली में और यहाँ जितने भी पहाड़ हैं उस पर वनस्पति के नाम पर ये सबसे ज़्यादा हैं, ये बांस के पौधे. सो पहले तो दिस इज बैम्बू, राइट? सम सॉर्ट ऑफ बैम्बू. आई मीन अ फैमिली ऑफ बैम्बू. ओके, अच्छा. वो देखिए सामने पहाड़ी पे जो भी आपको वनस्पति दिख रही है वो सारे यही हैं, बांस वाले ये. और इनकी वजह से पूरी वैली बहुत खूबसूरत लगती है. मतलब कहीं पे भी आपको चट्टान का एक टुकड़ा उस तरीके से दिखेगा नहीं, पूरी वैली को इन्होंने कवर कर रखा है. और फाइनली देखिए क्या नज़ारा है. ये है वो मेन वैली और उधर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं. अभी चूँकि काफ़ी दूर है, बेस कैंप जाना है, फिर वहाँ से नीचे जाना है, वैली में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं. बहुत सुंदर जगह है वो, मैं वहाँ जा कर दिखाऊँगा आपको. लेकिन चूँकि मैं यहाँ अभी हाइट पे खड़ा हूँ तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये वैली यहाँ से कितनी सुंदर लग रही है. मतलब आपको याद होगा कि जब 10-15 साल पहले आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते होंगे तो उस समय जब विंडो एक्सपी का ज़माना था तो आपके वॉलपेपर पे ऐसा ही कुछ मतलब तस्वीर और इमेज दिखती होगी आपको. मतलब वाकई बहुत खूबसूरत है ये. और बेसिकली आज जो मेरा ये ज़ूको का ट्रिप है, मैं इसके बारे में आपको बताना भूल गया. तो बेसिकली ये वन डे का ट्रिप है और एक ये फैमिली ट्रिप है. तो जहाँ मैं रुका हुआ हूँ रोवी दी के यहाँ, तो रोवी दी के नेफ्यू हैं अभी, तो वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, उनसे मिलवाता हूँ मैं आपको. तो अभी तो मैं और उनकी फैमिली, तो हम लोग यहाँ पर टोटल 6 लोग आए हैं. तो आज ही घूमेंगे, आज ही लौट जाएंगे. यहाँ पर जो बेस कैंप है वहाँ पर रात में स्टे नहीं करना हमें. अभी तो ही इज़ अभी तो माई फ्रेंड एंड ही इज़ वेरी गुड एंड ही इज़ लाइक यू कैन सी लाइक अ मॉडल. सो मैंने इनको बोला कि आप मॉडलिंग करिए. ऐसा बात करो बात करो. लग रहा है जगह मज़ा आ रहा है? जगह में मज़ा आ रहा है. ये तो बहुत खूबसूरत जगह है. बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आई. पहली बार आए दूसरी बार आए? ये हमारा दूसरी बार हो गया. दूसरी बार हम तो जुमापुर में रहता है. अच्छा, हाँ अभी तो भाई दीमापुर में रहते हैं और ये साउथ में जाके पढ़ाई भी कर चुके हैं. साउथ में 4-5 साल रहे हैं. मैं नाम भूल गया, तेलंगाना जगह वारंगल में. तो वारंगल में 4 साल रहे हैं और अभी दीमापुर में जॉब करते हैं. और मौसम काफ़ी बढ़िया है ना? वाओ, आज का मौसम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हम लोग लकी है, लकी मौसम मिल गया. बिल्कुल, बहुत दिक्कत हो जाएगा. हाँ, अभी मतलब हमने सारा मौसम देख लिया. अभी देखिए पूरे मतलब बादल जो है उड़ के जा रहे हैं. पूरा ये फॉगी था, अभी पूरा क्लियर हो गया. फिर हल्की हल्की बारिश भी हो गई. मतलब सब कुछ देख लिया हमने. और इस जगह पे आके आपको वाकई प्यार हो जाएगा. मतलब मैं दावा कर सकता हूँ, इतना मतलब बढ़िया, इतनी सुंदर जगह. देखिए तो अभी हम लोग थोड़ा और नीचे जाएंगे, वहाँ पे एक क्रॉस है, वहाँ तक जाना है हमें. वहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं अलग अलग तरीके से. और मेन जो वैली है, डीप वैली, अभी तक तो हम ऊपर ऊपर ही मतलब ट्रैकिंग करके आए हैं. अभी तक हमेशा हम ऊपर रहे हैं, नीचे नहीं गए हैं. लेकिन अभी हम नीचे जाएंगे, वैली के अंदर जाएंगे, वैली में जाएंगे और उस जगह पे जाएंगे. और काफ़ी खूबसूरत जगह है वो. लेकिन यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वहाँ का, वो शायद नीचे जाने पर नहीं दिखेगा, वो अलग तरह की खूबसूरती दिखेगी. लेकिन काफ़ी बढ़िया है. तो चलिए चलते हैं उधर. चलिए चलिए चलिए.
और ये नागालैंड का छाता है, छोटा सा छाता। आपने देखा होगा नागालैंड के जो लोग होते हैं खेतों में काम करने जाते हैं तो इस छाते को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये छाता बड़ा बढ़िया है, इसमें कुछ नहीं करना, ये पट्टी होती है। इस पट्टी को आपने सिर में ऐसे चारों तरफ से लपेट लीजिए और आप आराम से धूप से बच सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं। तो अभी बारिश हो रही है और ये छोटा छाता बहुत काम आ रहा है। यार एक और वाटर क्रॉसिंग आ गया, जूता खोलना पड़ेगा। अरे सॉक्स खोल दीजिए ना। अरे बोला है और ये पानी बहुत ठंडा है। जूको वैली जो है उसका जो नाम है जूको, तो जू का मतलब होता है वाटर अंगामी में, और कू का मतलब होता है कोल्ड, ठंडा। तो ये पानी इतना ठंडा है कि मैं क्या बताऊँ, और वाकई में जूको नाम बिल्कुल सही है। चलो 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 चलो, जाएगा जाएगा। और ये हमारा भाई हमारा भोजपुरी भाई प्रकाश, नंगे पैर से चल रहा है, इसको जरा समय आ रहा है आज क्योंकि ब्लॉगिंग हम कर रहा है। Right now we're in the thick bush of Zuku Valley, and right now we are heading to the cave. Just ahead of me is Prakash bhai. इधर रास्ता ही नहीं है, मतलब इतना स्लिपरी है कि पूछिए मत। थोड़ा सा भी आपका पैर फिसला, अब सीधे नीचे उधर खाई में गिरेंगे। और झाड़ियाँ बहुत घनी हैं इधर। यह थोड़ा खतरनाक हो रहा है, सावधानी से चलने की जरूरत है। वाओ, तो अब गुफा आने वाली है थोड़ी देर में, और ऐसा रास्ता है। और हम लोग जा रहे हैं गुफा में, और मेरे साथ पीछे आंटी हैं। आंटी को अंगामी में बोलते हैं अना, तो अवितो की मम्मी हैं मेरे पीछे, अवितो आगे है, और जो बहनें हैं वो आगे चली गई हैं। 1982 83 माय मॉम केम हियर। अच्छा 1983, ओह नो गेस्ट हाउस।
No rest house. She came so you slept here? Yeah. अरे वाह. अन्ना बता रही हैं कि वो 1983 में यहाँ पे आई थी जुको वैली में. और ये जो गुफा है बेसिकली मतलब गुफा की परिकल्पना जैसे हमारे जहन में है, ये वैसी गुफा नहीं है, बस एक ये छत नुमा है. तो यहाँ पे आप आराम से पानी वानी से बच सकते हैं, सब कुछ हो सकता है. तो जब ये जुको वैली का रेस्ट हाउस नहीं बना था तो लोग जब आते थे शिकार करने, हंटिंग आपको पता ही है नया कल्चर है बहुत फेमस है, तो हंटिंग पर लोग आते थे तो यहीं सोते थे. तो अन्ना भी आई थी 1983 में और यहीं पर सोई थी. और फाइनली ट्रेक ख़त्म हो गया. हमने 8 बजे शुरू किया था और अभी अराउंड 4 बज रहे हैं, तो 8 घंटे लगे हमें वहाँ तक. गए सब कुछ देखा, सब कुछ किया, काफ़ी अच्छे से कवर किया. तो काफ़ी अच्छा रहा ट्रेक, काफ़ी सुंदर जगह है ये. और थोड़ा सा थक गया हूँ मैं. तो अब जुको आप लोगों ने देखा, तो अगर आप लोग भी जुको आते हैं तो आइए प्लीज़ और यहाँ की खूबसूरती देखिए, वाकई में काफ़ी खूबसूरत जगह है. चलिए फिर अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय.